नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेयरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी के विषय में विस्तार से बताऊंगा। बेयरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी को रिक्शाओमैन डोजी के नाम से भी जाना जाता है, यह इसका दूसरा नाम है। बेयरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। बेयरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी का नाम तीन शब्दों से मिलकर बना है, बेयरिश, लॉन्ग लेग्ड और डोजी। बेयरिश शब्द का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, बेयरिश मतलब की मंदी, और लॉन्ग लेग्ड शब्द का मतलब होता है लंबे पैरों वाला। लेकिन यहाँ पर लंबे पैरों का मतलब कैंडल की लंबी शेडो से होता है, और डोजी शब्द का मतलब होता है वह कैंडल जिसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान हो। बेयरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी का नाम जापान के लोगों ने एक रिक्शा वाले के ऊपर रखा है, इसीलिए इस कैंडल को रिक्शाओमैन डोजी भी कहते हैं। बेयरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में तेजी का समय समाप्त हो गया है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। बेयरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह एक कैंडल से बनता है। आप इसे वीडियो में देख सकते हो। बेयरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न की एकमात्र कैंडल लॉन्ग शेडो डोजी कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह लंबी शेडो वाली डोजी कैंडल स्टिक होती है। इस कैंडल में कोई रंग नहीं होता है। बेयरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी तेजी के बाद बनता है, या कहें कि यह चार्ट के टॉप पर बनता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद तेजी की संभावना खत्म हो जाती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद बिकवाली करने से फायदा जरूर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि बेयरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बेयरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न एकमात्र कैंडल से बनता है जो कि लॉन्ग शेडो डोजी कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि यह लंबी शेडो वाला डोजी कैंडल होना चाहिए। जिस दिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है, उस दिन बाजार में जोरदार तेजी और मंदी का माहौल रहता है, और यह कैंडल एक लंबे क्षेत्र के अंदर अपना हाई और लो बनाता है, मतलब कि एक लॉन्ग बेयरिश कैंडल स्टिक के बराबर यह अपना हाई और लो बनाता है। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो, उस समय यह अपने ओपन प्राइस के बराबर ही बंद होना चाहिए। इस कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें अपर शेडो और लोअर शेडो बराबर या थोड़ी बड़ी छोटी हो सकती है, मतलब कि अपर शेडो 50% और लोअर शेडो 50%। ये तो हुआ बराबर और थोड़ी बड़ी या छोटी का मतलब। अधिक से अधिक अगर अपर शेडो 60% है तो लोअर शेडो 40% होगी, और अगर लोअर शेडो अधिक से अधिक 60% है तो अपर शेडो 40% होगी। अपर शेडो और लोअर शेडो दोनों में से कोई भी एक 60% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन अपर शेडो अगर लोअर शेडो की तुलना में बराबर या 60% हो तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। इस कैंडल स्टिक पैटर्न में कोई रंग नहीं होता है। बेयरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व होता है। बेयरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न से पहले जो भी कैंडल है उसमें जितना वॉल्यूम है उससे अधिक वॉल्यूम
बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न की कैंडल में होना चाहिए। अगर सीधे शब्दों में कहें तो बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न की एकमात्र कैंडल में वॉल्यूम पिछली कैंडल की तुलना में अधिक होना चाहिए। बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको चार्ट में तीन प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह तीनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह तीनों एक ही प्रकार से अपना काम करते हैं। बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट और वीकली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। यह कैंडल स्टिक पैटर्न इन सभी चार्ट में बहुत अच्छी तरह से अपना काम करता है, लेकिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट में बहुत बार दिखाई देता है। और यह कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट में बहुत अच्छी तरह से अपना काम करता है। जिस दिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है उसके अगले दिन कई बार भाव अच्छी मंदी के साथ या कहें कि गैप डाउन ओपन होते हैं। जब ऐसा हो तो यह हमारे लिए बिकवाली करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में सेलर की पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे ज्यादा अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वह अच्छी मंदी के साथ खुले या कहें कि गैप डाउन ओपन हो तो आपको बाजार में बिकवाली करना है या फिर बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल है वह जब तक बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के लो के नीचे जाकर बंद नहीं हो जाती तब तक आपको बाजार में बिकवाली नहीं करना है। बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न में नई कैंडल का भाव बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के लो के नीचे जाकर बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए बिकवाली करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। जब भाव बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर एक, बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न में कोई रंग नहीं होता है। नंबर दो, कैंडल की अपर शेडो और लोअर शेडो थोड़ी बड़ी या छोटी हो सकती है। नंबर तीन, बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न को रिक्शाओमैन डोजी भी कहते हैं। तो चलिए अब बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न को हम चार्ट में समझते हैं। आपको चार्ट में लंबी तेजी के बाद बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ते हुए क्रम में है। अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि
कि बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल गैप डाउन ओपन हो तो आपको बाजार में बिकवाली करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल तो गैप डाउन ओपन नहीं हुई है, तो अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में बिकवाली करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद पहले नंबर की कैंडल ही बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के लो के नीचे जाकर बंद हो रही है, तो आपको इसमें बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो कि बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो कि बाजार का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने बेरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।